एक जमाने में जेएमएम प्रचार प्रसार और आधुनिकता से दूर रहता था, लेकिन अब पार्टी अन्य पार्टियों की तरह न सिर्फ हाईटेक हो रही है बल्कि मीडिया मॉनिटरिंग और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हो रही है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अब वक्त के साथ कदम ताल करने में लगा है। पार्टी ने नया ऑफिस बनाया है जहाँ सभी प्रकार के हाईटेक सुविधाएं हैं। पार्टी महासचिव इस वक्त साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ताओं के साथ जूम मीटिंग कर रहे हैं। 18 विंडो में साहेबगंज के अलग अलग प्रखंडों से कार्यकर्ता और पदाधिकारी सदस्यता अभियान और सरकार के योजनाओं का फीडबैक और स्थानीय समस्याओं को बेबाकी के साथ शेयर कर रहे हैं। बैठक है और लगातार राज्य के 2400 जिले के पार्टी के जो जिला कमेटी के लोग हैं, केंद्रीय समिति के लोग हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है और उनसे हम लोग रूबरू हो रहे हैं। सदस्यता अभियान हमारा इस राज्य में चल रहा है, तो सदस्यता अभियान की जो अद्यतन स्थिति है उसकी भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री समय समय पर मीडिया में संवाद जारी करते हैं। जनता की शिकायतों को भी फेसबुक ट्विटर से निकालकर पार्टी पदाधिकारी के समक्ष लाया जाता है। पार्टी के मुताबिक सरकार की योजनाओं को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक ले जाना जरूरी है। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उसका लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए वो लाभ उन तक कैसे पहुंचाएं, सरकार को सहयोग हम कैसे कर रहे हैं, इन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हमको लगता है कि बहुत सकारात्मक परिणाम भी सामने मिल रहे हैं। आज से सिर्फ 7-8 साल पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से परहेज करता था। उनके नेता और मंत्री खुले स्वरों में कहा करते थे कि हमारा मतदाता टीवी नहीं देखता, अखबार नहीं पढ़ता, वह सिर्फ तीर कमान का निशान देखता है। वक्त कितनी तेजी से बदलता है और विचार भी बदल जाते हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जमाने की जरूरत के साथ कदम ताल कर रहे हैं। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन रिंकू के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।